कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, ये कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम है और ये होम्योपैथी बहुत अच्छा ठीक करती है। यहाँ हमारी रूटा बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ हमारी एटीएस पाई काटा बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ हमारी मैक्रोटीनम एक दवाई है वो बड़ा अच्छा काम करती है, और उसके पीछे जो है मेलमेटिक जैसे ड्रोसरा है, मेडोरिनम है, ओरमेट है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कॉम्प्लिकेशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इंक्रीज द रिस्क डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, आपकी हड्डियों का फिर बुरना शुरू हो जाता है। द रूमेटॉइड आर्थराइटिस सेल्फ अलोंग विद सम मेडिकेशन यूज ऑफ द ट्रीटिंग, यहां बड़ा एक बड़ा आम चीज वो बयान कर रहा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इटसेल्फ अलोंग विद इसके साथ कि वो खुद भी तो करता है, साथ क्या करता है, सम मेडिकेशन यूज फॉर ट्रीटिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती है वो हड्डियों को ग्लास अड़ा के रख देती हैं। बस वो स्टीराइड यूज करेगा, पेन किलर यूज करेगा, इम्यूनोसप्रेशन यूज करेगा, तो उससे क्या होगा, इम्यूनोसप्रेशन क्या होता है कि ऐसी भी ड्रग्स होती है जो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव ही नहीं होने देती, दबाई रखती है। वो तमाम ड्रग्स क्या करती हैं, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो ठीक ही नहीं होता, वो हड्डियां बुरनी शुरू हो जाती हैं। द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस अ कंडीशन दैट वीकनेस द बोन्स एंड मेक देम मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, और ऑस्टियोपोरोसिस का रिजल्ट क्या होगा, हड्डी टूट जाएगी। बात कहां से चली, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट म्यूकस सेवेनियल मेम्ब्रेन, रस्टॉक से चली, फिर ऑरोमेट, सिंफाइटम, रूटा, कल्केरिया फास, सिलेशिया, ये आगे पे रेंज आ गई जब फ्रैक्चर लेवल पे, क्योंकि डिजीज प्रोग्रेसिव कर गई, तो फिर वो रस्टॉक के जुमरे से निकलती जाएगी, फिर वो स्टेजेस एडवांस होगी। अब आपके पास वो इनिशियल स्टेज वाला आया, तो अगर आपने उसको पहचान लिया तो आप उधर उसको ट्रीट कर लेंगे, अगर आपने नहीं पहचाना, दो चार साल गुजर गए, तो फिर वो डिफॉर्मिटी की शेप में आ गया, फिर ऑस्टियोपोरोसिस। अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक हरिचंद रोड मंदनी, पर अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक के सहर दातो बजोना द मासबहीन यवी बजे पूरी द होम्योपैथिक दुनिया तकड़ा और तजुर्बाकार डॉक्टर मोहम्मद सिफ तासु द खिदमत द पारा मौजूद हुई। पर अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक के बाद हर किस्म मरजुनो इलाज कवलिशी, मसलन मैदा, गुर्दा, बवासीर, खूनी या आबादी, बांझपन यानी बेऔलादी, टेंशन, डिप्रेशन, मर्दाना कमजोरी और जहनी अमराज। पो अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक के बाद द कुंडो जनानो, यतीमानानो, द मदरसे द तुलबाओ और उलमाओ द पारा चेकअप बिल्कुल फ्री, और मेडिसिन के बोर्ड सरहम रियायत कबूल कीगी। द हर म्याश्ती पदवे में इतवार बाद द माजुरानो माशुमानो द पारा फ्री कैम्प हम लगवल कीगी। होम्यो फिजिशियन डॉक्टर एम सिल सेब कुमसी डी एच एम एस पेशावर और आर एच एम पी इस्लामाबाद दे। द राबते नंबर याद साते 0311-9714-662, दोयन नंबर 0342-9022-013। द क्लिनिक पता याद साते अलशाफी होम्योपैथी क्लिनिक, मेन उमरजे हरिचंद रोड मंदनी ताने तबिल्कुल मखामख, मंदनी माल प्लाजा बेसमेंट। इसकी शेप में आ गया, फिर उसका स्ट्रक्चर सारा जिसको कहते हैं ड्रम से बिल्डिंग गिर जाती है। आगे जी, दीज फॉर्म बम्प्स मतलब स्किन उभर जाती है, ये भी कॉम्प्लिकेशंस में आता है। द टिश्यू मोस्ट कॉमनली फ्रॉम द अराउंड द प्रेशर पॉइंट सच एज द एल्बो ओवर दीज निडोल्स कैन फ्रॉम एनी वेयर इन द बॉडी इंक्लूड द हार्ट एंड लंग्स, ये जो डिजूज जो है ये आपके जॉइंट्स पे बन सकते हैं, आपके लंग्स पे बन सकते हैं, आपके हार्ट्स पे बन सकते हैं, ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, मामूली सी स्वेलिंग से स्टार्ट हुआ, और आपने इसको समझा नहीं। अगर हम समझ लेते हैं
बंदा आपको आगे कहता है डॉक्टर साहब मैं सुबह जब उठता हूँ तो मेरे जोड़ सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो आपको फौरन स्ट्राइक करना चाहिए कि कहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस का अटैक हो रहा है। आगे चलें, इन्फेक्शन रूमे पीछे थोड़ा सा पीछे दोबारा लाएं। हाँ, उसके बाद वो कहता है कि ड्राई आइज हो जाती हैं। अब ये आपने अलाइड सिम्टम्स आ गई, ड्राई आइज होगी, माउथ हो गया। पीपल हु हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस आर द मच मोर लाइकली टू डेवलप द सुजोजल सिंड्रोम डिसऑर्डर दैट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द आइज एंड माउथ। वो कहता है कि ये फिर उस सतह पे आ गया कि आपके मुंह को जो मॉइस्चर करने वाले क्या कर रहे हैं, जो तर रखने वाले मादे हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सिक्रीट करना, आइस को तर करने वाले जो लैक्रिमेशन बनाने वाले जो सिस्टम है वो अपना वर्क रिड्यूस कर देगा, आंखें ड्राई होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ फिर आपकी ब्रायोनिया है, वहाँ फिर नेटोमियोर आ जाती है। ये फिर आगे हम दायरा दवाइयों का वसी होता जाता है। आगे चलते हैं जी, इन्फेक्शन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इटसेल्फ एंड मैनी ऑफ द मेडिकेशन यूज्ड कंपैक्ट इन द कैन एम्पेयर द इम्यून सिस्टम लीडिंग टू इंक्रीज द इन्फेक्शन। जब आपका इम्यून सिस्टम इतना अफेक्ट हो जाता है तो वो फिर हर किस्म के इन्फेक्शन के लिए इम्यून हो जाता है। एबनॉर्मल बॉडी का कंपोजिशन द प्रोपोर्शन ऑफ फैट लीन मैस इज ऑफन हायर इन पीपल हु हैव रूमेटॉइड आर्थराइटिस इवन इन दोज हु हैव नॉर्मल बॉडी मैस इंडेक्स। तो वो फिर ओबेसिटी की भी तरह जाए क्योंकि मोमेंटली मोबाइल होना उसका कम हो जाता है तो वो फिर ओबीज होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर बेशुमार मसाइल गट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जी, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। ये जो कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम होता है ये हमारा यहाँ की ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है और ये बहुत पेनफुल होता है, तो ये कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम इसको कहते हैं सिंड्रोम। और जब कोई समझ में आई तो सिंड्रोम, तो बेसिकली दिस इज द रीजन ऑफ द जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्ट द रिस्ट इन्फ्लेमेशन कार्पल नर्व्स जो है कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, इसमें जो होती है नर्व्स दब जाती है और वो सीवियर पेन होता है, लोग बांधते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, डी ठीक होते हैं। और आपके पास बड़ी खूबसूरत दवाइयाँ हैं, तीन चार जिनका मैं जिक्र किया, जिसमें एक्टियोस्पाइकाटा बड़ी टॉप की मेडिसिन है। एक्टियोस्पाइकाटा जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की भी बहुत बड़ी दवाई है। और मैक्रोटीनम का मैंने जिक्र किया है, रूटा का मैंने जिक्र किया, मेडोरिनम है, ड्रोसरा है, ओरामेट है,